अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो है लेक्चर नंबर वन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके अंदर जो है उसका फॉर्मूला वगैरह मैंने डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड जो है उसको हम क्या कहते हैं, हेजेनक्लेवर्स मेथड कहते हैं, और सेकेंड मैथड बेकमैन्स मैथड। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैंने आप लोगों से हेजेनक्लेवर्स मेथड जो है उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और डायग्राम को डिस्कस किया था आप लोगों से। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से बेकमैन्स मेथड जो है, सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इस मेथड को जो है आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे और बाद में इसकी वर्किंग की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बेकमैन्स मेथड के थ्रू जो है हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो आप लोगों ने स्टार्ट में भी मैंने बताई हुई है कि हमेशा एक ही रिएक्शन है, मेन रिएक्शन, जिसके थ्रू आप ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे कि आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसको हम पास करवाते हैं फ्रॉम क्लोरीन गैस, ठीक है, इसमें से पास करवाया जाता है, और फिर जो है इसके रिजल्ट में आप लोगों को जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, दैट इज CaO, Cl और Cl, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और साथ में जो है इसके अंदर जो है साथ में आपको वाटर जो है वो मिलता है। यहाँ से आप देखें कि CaO और एक ऑक्सीजन, और बाद में दो Cl, ठीक है, और साथ में यहाँ से दो हाइड्रोजन बचेंगे और एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर जो है वो मिल जाएगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है जिसको इस रिएक्शन के थ्रू जो है आप प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इन इस मेन रिएक्शन के थ्रू जो है आप दोनों मेथड्स में सेम रिएक्शन है, मतलब उसमें भी आप लोगों ने यही किया था कि सेम यही रिएक्शन जो है वो किया था। सारा प्रोसेस सेम है थ्रू आउट, आप देखेंगे कि सबका सब सेम है। बस ये कि बेकमैन्स मैथड में और जो हेजेनक्लेवर्स मैथड में डिफरेंस क्या है कि इनकी थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन है, जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करें उसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और बाकी थ्रू आउट सारा कुछ सारा प्रोसेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंस भी एक तरह से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कि द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन टावर, ठीक है, इसमें जो अपरेटस है स्टूडेंट्स वो किस पे बेस कर रहा है, कास्ट आयरन टावर से जो है वो बना हुआ है। सॉरी स्टूडेंट्स, कास्ट आयरन से बना हुआ है, कास्ट आयरन का टॉवर है, ठीक है, टॉवर, जिस तरह उसमें क्या थी कि आयरन सिलेंडर्स थे, इसके अंदर क्या है, कास्ट आयरन से वो बना हुआ है और टॉवर की फॉर्म में है, ठीक है। ये फर्स्ट इसका पार्ट है। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो इट हैज़ 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स, इसमें जो है वो कितनी शेल्व्स हैं, 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स हैं, थी उसमें भी 4 to 8 थी, ठीक है। उसमें ये बात याद रखनी है आपने कि इसके अंदर जो है वो 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स होती हैं, जबकि उसके अंदर जो है वो 4 to 8 हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स मौजूद थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन देखें तो ईच शेल्फ हैज अ रोटेटिंग रैक, इसके अंदर जो है हर शेल्फ में जो है रोटेटिंग रैक मौजूद है, ताकि जो है जो क्लोरीन है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक लाइम, इनकी आपस में जो है वो मिक्सिंग हो सके। उस केस में जो है वो हेजेनक्लेवर्स मेथड में जो है वो रोटेटिंग स्टिरर्स मौजूद थे, जबकि इस केस में जो है बेकमैन्स मेथड में जो शेल्फ है उसमें हर शेल्फ में जो है वो रोटेटिंग रैक मौजूद है, ठीक है। इसके बाद जो है देयर इज अ हॉपर एट द टॉप, उसमें भी हॉपर मौजूद था जिसके थ्रू जो है हम लोग जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनके स्लेक लाइम को इंट्रोड्यूस करवाते थे हॉपर हॉपर के थ्रू। इसमें भी सेम जो है हॉपर सेम ही है, ठीक है, टॉप पे मौजूद है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज कलेक्टेड एट द बॉटम, और ब्लीचिंग पाउडर हमेशा बॉटम में जो है वो कलेक्ट होता है, और उसके बाद जो है देयर आर इनलेट्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन गैस के लिए जो है वो प्रॉपर इनलेट्स मौजूद हैं जिसके थ्रू क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस करवाई जाती है फ्रॉम द बॉटम, एंड हॉट एयर एट द बेस ऑफ द टावर। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, बेस ऑफ द टावर मतलब नीचे से, ठीक है। स्टार्ट दो बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम है, ये आपने ऊपर से यानी कि हॉपर से जो कि टॉप पे मौजूद है ऊपर से आएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना है, और जबकि क्लोरीन जो गैस है ये इंट्रोड्यूस करवानी है फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, मतलब नीचे से आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। तो ये दो बातें इसमें आप लोगों ने याद रखनी है, फिर इनकी जो है ये आपस में मिक्स होंगे और उसके रिजल्ट में आप लोगों को जो है ये ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaO, Cl एंड Cl यानी कि कैल्शियम सॉल्ट है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया है। अब मैं इसकी वर्किंग की तरफ आती हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसकी प्रॉपर जो डायग्राम है वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बल्कि पहले मैं आप लोगों को जो है इसकी डायग्राम वो यानी कि जो ऑपरेटर्स है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम है, ये मैं इसको फोकस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये जो है क्लियर अच्छे से नज़र आए। तो ये बेकमैन्स मेथड के लिए जो है ये स्टूडेंट्स अपरेटस या होप सो कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक जो है वो क्लोरीनेटिंग टावर है, ठीक है,
ये जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि कास्ट आयरन टॉवर होता है, कास्ट आयरन से बना हुआ है, और जो है वो इसको क्लोरीनेटिंग टॉवर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरीनेशन इसमें हो रही होती है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हॉपर मौजूद है। ठीक है, ये हॉपर मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो स्लेक्ड लाइम जो है विद कंप्रेस्ड एयर ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मतलब स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जो है प्रेशर के थ्रू जो है वो उसको नीचे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक हो गया, और फिर जो आप ये देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल शेल्व्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये यहाँ पर तो आपको सिक्स नज़र आ रही हैं लेकिन ये होती हैं 6 to 8 जो है हॉरिजॉन्टल शेल्व्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है ये आप देख रहे हैं कि ये रोटेटिंग रैक्स हैं, ये रोटेट करेंगी और ये इसके थ्रू जो है ये जो ऊपर वाले शेल्फ से जो मटीरियल है चार्ज है वो नीचे आएगा, फिर उससे नीचे, फिर इससे नीचे, इस तरह से रोटेट करते हुए ये मटीरियल जो है वो नीचे आता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हॉपर से इंट्रोड्यूस करवाया स्लेक लाइम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के लिए इनलेट, प्रॉपर इनलेट जो है वो मौजूद है और इस इनलेट के थ्रू जो है क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉट एयर जो है वो पास करवाई जा रही है। ठीक है, ऊपर से भी एयर जो है वो पास करवाई जा रही है और हॉट एयर जो है वो अंदर जा रही है। ठीक है, प्रेशर के साथ अब क्या होगा कि इनकी मिक्सिंग होगी अच्छे तरीके से और फिर उसके रिजल्ट में जो है वो आपको ये ब्लीचिंग पाउडर जो है एट द बेस ऑफ द टॉवर ये आप यहाँ पर कलेक्ट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर एट द बेस ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की, जो वेस्ट गैसेज होंगी वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके लिए सेपरेट जो है वो आउटलेट जो है वो मौजूद है, आउटलेट मतलब इसके थ्रू जो है यहाँ से वेस्ट गैसेस जो है वो निकल जाएंगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों से डिस्कस की है फॉर बेकमैन्स मेथड, या जो ये बेकमैन्स के लिए जो अपरेटस डिजाइन किया गया है, होप सो कि ये आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ इसकी वर्किंग की तरफ और हम मजीद जो है देखेंगे कि किस तरह से ये सारा जो है इसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट होप सो कि आपको नज़र भी आ रहा है, पाउडर्ड स्लेक लाइम इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू हॉपर एट द टॉप विद कंप्रेस्ड एयर। तो यही बात मैंने भी आपसे डिस्कस की कि वर्किंग कैसे होगी, मतलब ये वर्क कैसे करेगा, स्टार्ट कैसे होगा, कि सबसे पहले जो है पाउडर्ड स्लेक लाइम जो है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ये आपने जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते थे हम इसको, हॉपर के थ्रू एट द टॉप जो कि टॉप में मौजूद है विद कंप्रेस्ड एयर, साथ में जो है वो एयर भी आपने कंप्रेस्ड एयर जो है उसके थ्रू जो है वो आपने प्रेशर से जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाना है हॉपर के जरिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों से वर्किंग का डिस्कस किया। मैं सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ हॉट एयर एंड क्लोरीन इज इंट्रोड्यूस थ्रू इनलेट्स। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी उसमें डायग्राम में कि हॉट एयर जो है उसका मिक्सचर और क्लोरीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है थ्रू इनलेट्स एट द बेस ऑफ द टावर, नीचे से जो है वो इनलेट्स के थ्रू जो है जो टावर की बेस है उसमें उसके थ्रू जो है वो वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, स्लेक लाइम जो है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पुश्ड डाउन बाय रोटेटिंग रैक्स व्हाइल क्लोरीन राइजेज अप। अब क्या होगा कि ये डाउन पुश होगा मतलब ऊपर से नीचे आएगा जबकि क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ राइज अप होगी, मतलब गैस है तो वो फौरन से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो स्लेक्ड लाइम जो है वो आपस में, फिर इनका आपस में रिएक्शन होगा। आप स्लेक्ड लाइम जो ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाया था और क्लोरीन जो है वो नीचे से जो कि पुश की गई ऊपर की तरफ राइज अप हुई, ठीक है, इनका आपस में रिएक्शन होगा एंड इट विल गिव्स यू ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलेगा ये CaOCl एंड Cl प्लस वाटर, और उसके बाद जो है ब्लीचिंग पाउडर इज कलेक्टेड एट द बेस ऑफ द टावर, और जो बेस से आप जो है वो कलेक्ट इसको जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है ब्लीचिंग पाउडर की कंप्लीट वर्किंग को डिस्कस किया। अब मैं स्टोरेज की बात करती हूँ कि अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है स्टूडेंट्स ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो स्टोरेज की बात करें अगर हम, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में आपने इसको जो है वो स्टोर कर लेना है, एयर टाइट कंटेनर्स में, कि उसके अंदर जो है वो हवा ना जा सके, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो सके, अदरवाइज अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एयर टाइट कंटेनर्स में, पहले तो ये मैं बता रही हूँ ना कि एयर टाइट कंटेनर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, कि एयर टाइट कंटेनर्स में पहले आपने इसको स्टोर करना है, क्यों स्टोर करना है, टू अवॉइड द लॉस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ताकि जो क्लोरीन है उसमें से जो है वो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर में से जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो वो जो है वो लॉस ना हो, और आपको पता है कि यही बात मैं बताना चाह रही थी कि जो इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ये मतलब आप कह लें कि ये अवेलेबल क्लोरीन है उसकी जो एक्टिव
एक्टिविटी होती है ब्लीचिंग पाउडर की वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अवेलेबल क्लोरीन। तो अब क्या होगी कि अगर यही जो है वो लॉस हो जाएगी तो फिर जो है वो इतना अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा। इसी वजह से क्या किया जाता है कि इसको एयर टाइट कंटेनर जो है उसमें जो है वो स्टोर किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, टू अवॉइड द लॉस ऑफ क्लोरीन, ताकि क्लोरीन का जो लॉस है उसको जो है अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी जो है वो आप लोगों से स्टोरेज को भी डिस्कस कर लिया है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय बेकमैन्स मेथड, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।